हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट आ गया है, आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है और आप अपने रिजल्ट को क्वालिफाई कर चुके हो। अब आपके दिमाग में ये बात है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है, इसमें मैं क्वालिफाई करूंगा या नहीं करूंगा। एक और बात दिमाग में, अभी अभी आपके टीवी चैनल पे कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात घूम रही है कि 40,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गए। अगर रिजेक्ट होंगे तो क्या होगा, मेरे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। उससे पहले जो लोग मेरे को इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इस चैनल को प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती हो। तो मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूं, आज जो मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि आज हमारे हाथ में पूरा रिजल्ट है और हमने रिजल्ट को एनालिसिस करते हुए हमारी कट ऑफ क्या हो गई है, क्या चेंज आया है, आया भी है कि नहीं, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारी कट ऑफ 64.12 जाएगी। अगर 64.12 किसी स्टूडेंट ने गुणांक लिया है तो वो इसको क्वालिफाई करेगा। कहने का मतलब ये है, अब इस बात को मैं आज बताता हूं, मैंने आज हजारों स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक किया, उसको एनालाइज किया और मैं इस नतीजे पे निकला कि ओबीसी के स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पहले मैं ओबीसी के सुपर टेट में एवरेज मार्क्स 97 कंसीडर कर रहा था, जो कि अब मेरी तरफ से उस एवरेज को बढ़ा करके मैंने 99 कर दिया है। ये बात जानने की है और बहुत अच्छी भी है कि ओबीसी के स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनकी मेरिट बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर 99 हुआ, जो कि पहले 97 था, मैंने इसको कहा था 64.12, अब ये हो गया है कितना, 797 से 90, तो ऑलमोस्ट ये मैं इसको पूरा राउंड ऑफ कर दूं तो ये 65 प्लस जो लोग होंगे जिनका गुणांक ओबीसी में 65 प्लस होगा, वो इसको क्वालिफाई करेंगे, इस भर्ती को फाइट करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं जनरल की। जनरल में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ओबीसी के बराबर ही परफॉर्म किया। मेरी पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि जनरल का बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा, पर मैंने पाया कि वो बिल्कुल ओबीसी के बराबर है। ओबीसी ने उसको बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर दी है और ये बड़ी अच्छी खबर है। दोस्तों, आपका जो मैंने आपको बताया था वो 68.16 बताया था आपको गुणांक, कि जिन स्टूडेंट्स का गुणांक 68.16 है वो इस भर्ती को क्वालिफाई करेंगे। मैं अभी भी वही कहता हूं कि वो उसको अभी भी वही क्वालिफाई करेंगे, और हायर साइड में मैं बढ़ाऊं तो इसको केवल मैं 68.5 ले जा सकता हूं। 68.5 पर जो बच्चा है वो हर हालत में क्वालिफाई करेगा जनरल में। एससी के लिए मैं जो बात कर रहा था, एससी कैटेगरी के लिए जो मैं बात कर रहा हूं, उस कैटेगरी में पहले मेरा जो एनालिसिस था वही एनालिसिस आज भी है। एससी कैटेगरी में 60.5 जिसका गुणांक है वो गुणांक पर वो क्लियर करेगा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं एसटी की। तो एसटी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, लेकिन एसटी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई किए हैं वो काफी कम है, और रिजर्वेशन को देखते हुए ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो एसटी कैटेगरी के होंगे वो लगभग 90% स्टूडेंट एसटी के वो इसको क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, जनरल में कोई चेंज नहीं आया है, केवल ओबीसी की रैंक में, ओबीसी के गुणांक में हल्का सा फर्क आया है। जो पहले 68.412 था, 64.12 था, अब वो बढ़कर 65 हो गया। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि वो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि कौन से बॉर्डर लाइन पर केसेस हैं। अगर मैं देखूं कौन से बॉर्डर लाइन पर केसेस हैं, तो जनरल के बारे में जिन लोगों के 66 प्लस हैं वो सब बॉर्डर लाइन केसेस हैं, अर्थात उनका सिलेक्शन हो सकता है, काफी चांसेस हैं, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन केस है। जनरल में ये मार्क्स 66 प्लस है।
अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो एनालिसिस जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, हमने उसको जो पिछले आज पूरे दिन में लगाया है, वो जो हम इसको चेक करेंगे तो ये चीज 63 पर पहुंच गई है। 63 प्लस ऑल आर बाउंड्री लाइन और वो क्वालिफाई कर सकते हैं। एससी के लिए ये 50.5 जो मैंने पहले रखा था वही का वही है, कोई चेंज नहीं है, और एसटी में भी कोई चेंज नहीं है। अब दोस्तों एक बात आज चल रही है न्यूज में कि 40,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। दोस्तों मैं बताऊं, ये जो खबर है ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें मैं न्यूज में देख रहा हूं इसमें कि उनका उनमें उनके डिटेल्स अपलोड नहीं हुए हैं, मार्क्स अपलोड नहीं हुए हैं, कुछ खामियां हैं। अगर ये वास्तव में ऐसा हुई तो पीएनपी इस भर्ती को फंसा देगा। आप ये मान के जाइए कि ये भर्ती कोर्ट में चली जाएगी, क्लियर होगी ही नहीं। इसलिए पीएनपी या सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी कि 40,000 फॉर्म रिजेक्ट कर दे और ये भर्ती अटक जाए। ये जो 40,000 हैं इसमें क्या होगा, इनको इनके करेक्शन का टाइम मिलेगा, अब रिजल्ट को अपलोड होने का टाइम मिलेगा, डेटा को अनअपलोड होने का टाइम मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि ऐसा जो न्यूज में चल रहा है ये बिल्कुल सही चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो सरकार की तरफ से या पीएनपी की तरफ से ये भर्ती फंस जाएगी और ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, जो कि ऐसा संभव नहीं है। तो आप यही मान के चलिए कि 1,46,000 पूरे जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के ऊपर रिजल्ट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये 40,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गए तब क्या होगा, वो सिनेरियो मैं आपको बताता हूं। अगर 40,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गए स्टूडेंट्स तो मेरिट जाएगी लो, हर एक में 2 2 परसेंटेज पॉइंट्स का, यानी कि 2 गुणांक का कमी आ जाएगी। अगर मैं जनरल की बात करता हूं, जो मैं 68.5 के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं उसकी बात करूं 68.1 की बात करूं, तो जो लोग 66 प्लस पर हैं जनरल में वो क्वालिफाई करेंगे। ऐसा तब होगा जब 40,000 फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। अब बात कर रहा हूं मैं ओबीसी की। अगर ओबीसी में हुआ तो यही जो चीज है ये घट करके 63 पे आउटराइटली क्वालिफाई करेगा, 63 पर क्वालिफाई करेगा गुणांक पर, अगर 40,000 फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। ओबीसी में यही चीज घट करके 59 आ जाएगी, 59 प्लस पर वो क्वालिफाई करेगा, और ये तो पूरा 100% आ जाएगा। और इसमें बॉर्डर लाइन चला जाएगा 64, इसमें बॉर्डर लाइन चला जाएगा 61, इसमें बॉर्डर लाइन चला जाएगा 57। दो दो गुणांक का फर्क आ जाएगा बॉर्डर लाइन में अगर 40,000 फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो। दोस्तों अगर आप इसमें नए हैं इस पर चैनल पर तो इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और मेरी बात सुनिए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मेरे तो मार्क्स गलत अपलोड नहीं हो गए हैं, मेरा नाम गलत तो लिख गया है, मैं क्या करूं, मेरे मेरिट सर्टिफिकेट कहीं और रखे हैं, मैं क्या करूं, मेरे जो है वो मुझे चेंज कराना है, डोमिसाइल मेरा पहला कहीं का है कहीं और का नहीं है, या मैं मैरिड हूं, मेरा हस्बैंड कहीं और रहते हैं, घर कहीं और है, अब मैं क्या करूं। इस तरह के सारे सवाल डोमिसाइल को लेकर, मैरिड को लेकर, मार्कशीट को लेकर जो भी है वो सब मैं क्लियर करूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेनी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब मैं बात करता हूं, कई सारे स्टूडेंट मुझसे अभी भी ये पूछ रहे हैं कि सर गुणांक कैसे निकालते हैं, गुणांक में क्या कमी है। तो बिल्कुल बहुत छोटी सी चीज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आपको जिन लोगों को नहीं पता है वो समझ लीजिए। गुणांक में कुछ नहीं है, इतनी बात याद रखनी है कि 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स और बीएड या बीटीसी के जो मार्क्स हैं इनका 10%। अब ये मार्क्स नहीं परसेंटेज, मान लीजिए आपके इसमें 65% है, इसमें आपके 70% है, इसमें आपके 80% है, इसमें आपके 60% है, तो 65 का 10%, 6.5 ये गुणांक हो गया 10th का, 70 का 10%, 7 गुणांक हो गया 12th का, 80 का 10%, 8 गुणांक हो गया ग्रेजुएशन का।
और 60 का 10% गुणांक हो गया 6 ग्रेजुएशन बीटीसी बीएड का, ये इनको जोड़ लेंगे आप, करेक्ट है क्या? इसके बाद बात करते हैं आपके सुपर टेट के। अगर आपके सुपर टेट में 105 नंबर हैं, इस 105 को पहले आप परसेंटेज में चेंज करेंगे, 105 बटे 150 गुणा 100 तो निकल के आएगा कितना, 70%। और इस 70% का 60% यानी कि 42 होगा आपका गुणांक किसके लिए, एसटी के लिए, इसके सुपर टेट के लिए। अब इन सबको आप जोड़ेंगे 6.5 7 8 6 और 42, ये जो बनेगा ये बनेगा गुणांक आपका पूरा। अगर आप इसे जोड़ें तो जुड़ेगा ये 5 6 और 7 13 और 8 21 और 6 27 और 2 29 और 4, तो आपका गुणांक बना 69.5। दोस्तों अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज के लिए मैं आपको फिर मिलूंगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।